गुड आफ्टरनून। 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 गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स का फिर क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है?
तो स्टार्ट करें बच्चों, अटेंडेंस बोल दो पहले आप लोग, ठीक है? चले बोले, मोहम्मद अहमद नहीं आए, सिद्धार्थ सैनी ठीक है, हेमंत सैनी विशांत त्यागी सत्यम कुमार कुशल प्रताप कुशल प्रताप हेमा अमानुल्ला मोहम्मद अंग्रेज विनय सैनी मोहम्मद मोनिश सिल्की सचिन सैनी सिद्धांत त्यागी आदित्य सैनी शाहनवीर सागर कुमार हिमांशु अनुज सैनी रोहित कुमार अच्छा अनुज सैनी ठीक है, रोहित कुमार शाकिर गौर अनवर अली टोनी प्रताप सत्यम कुमार मोहम्मद एनस पुरुषार्थ रोहित शर्मा अरुण कुमार सूर्य प्रताप अब्दुल रहमान अरुण पाल गडरिया अरुण पाल और सौरभ पाल मोहम्मद आजम सागर सैनी हरेंद्र मौर्या सागर सैनी श्वेता मिश्रा लक्ष्मण अंकुश कुमार सुहेल राव प्रियांशु अर्सलीम तनवेज त्यागी शहबाज कमर आलम जुनैद आलम उज्जवल त्यागी वंश मोहम्मद तालिब खुशहाल अहमद मोहम्मद अजीम सरफराज अहमद विकास खुशहाल अहमद ठीक है ओके विकास उदयवीर सिंह शिवम विशाल कुमार आकाश कुमार ठीक है उदयवीर सिंह ठीक है आकाश कुमार हर्ष कुमार अक्षय राठौड़ आयशा मोहम्मद नाजिम सचिन कश्यप अब्दुल सलाम जो है और पार्थ चौहान जिशान सचिन कश्यप ओके ऐसा कोई है जिसकी नहीं हुई भाई नाम बता दो अजय पटेल प्रेजेंट है क्या आलोक जैन ठीक है आपका नाम हाँ उस दिन लिखो ठीक हसन न्यू एडमिशन ठीक है और मनमोहन सैनी अच्छा लक्ष्मण सैनी का हो गया और कौन है जो नाम बोल रहे थे मोहसिन आलोक जैन आपकी तो हो गई और मोहसिन की हो गई इनसे अलग चलो कोई प्रेजेंट होगा तो बता देना ठीक है अभी क्लास स्टार्ट कर देते हैं आपको मैंने कहां तक पढ़ा दिया किसी को याद है आपको लिपिड्स पढ़ाए थे लिपिड्स में क्या पढ़ाया था तो बता देते ना उसके किस क्लासिफिकेशन में क्या बताया था मैंने उसमें सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड और ड्राइव लिपिड आपको मैंने सिंपल लिपिड बता दिया था कंपाउंड लिपिड आपको बताना था कंपाउंड लिपिड मैंने बोला था कि कॉन्जुगेट लिपिड भी बोलते हैं इसको मीन्स ये टू कंपाउंड से जुड़कर बनता है फर्स्ट इसमें कौन सा मैंने बताया था आपको फॉस्फोलिपिड और सेकेंड मैंने बताया था ग्लाइकोलिपिड बताया था ना ठीक है और मैंने ड्राइव लिपिड में कौन सा बताया था स्टेरॉइड्स कार्टिनॉइड्स और टर्पिनॉइड्स जी क्या ना बताए थे बच्चों कोई बोल नहीं रहा आवाज नहीं आ रही सही से किसी की
ओके, तो आज हम पढ़ेंगे आपके इसका सेकंड यानी कि आपका कंपाउंड लिपिड, ठीक है ना। फर्स्ट तो हमने क्योंकि बता दिया था आपको, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड्स क्या क्या होते हैं आपके, इसमें क्या क्या आता है क्या नहीं आता है ये सब, ठीक है। तो बात करते हैं हम आपके कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें मैंने बताया आपको फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो जो इसमें फॉस्फोलिपिड होता है ये क्या होता है, वन ग्लिसरॉल होते हैं और टू फैटी एसिड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, वन ग्लिसरॉल होते हैं आपके एंड टू फैटी एसिड्स, ठीक है। ठीक है, और ये क्या होते हैं आपके फॉस्फेज ग्रुप होते हैं, ठीक है। यानी कि इट इज जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है इनकी, जो सेल वॉल को बनाने में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो आपके क्या होती है, फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है। जो आपकी फॉस्फेट लिपिड होती है ये किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, आपकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है। जो सेल वॉल आपने देख सुना होगा ना कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो ये कि जैसे आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन थी, प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट्स कौन सी थी, अरे कुछ पता नहीं है। तो हमारा जैसे ही ऐसे ही इसकी क्या है, आपकी फॉस्फोलिपिड है आपकी किसकी, सेल वॉल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। इसमें जाने के इसकी जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है आपका जो सेल वॉल का है वो कौन सा है आपका, फॉस्फेट लिपिड, फॉस्फोलिपिड सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका पहली बात क्या होती है, ये एक हाइड्रोफिलिक होता है। इसमें जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि क्या होता है हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं ना वो होते हैं हाइड्रो जी, जो आपके वाटर लविंग होते हैं, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं बताओ, मैंने क्या बोल रही हूं मैं, जो आपके हाइड्रोफिलिक जो होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके जो वाटर लविंग होते हैं, यानी के जिनको, ठीक है, जिसमें वाटर होता है। और जो आपका हाइड्रोफोबिक होता है वो क्या होता है आपका, जो वाटर मतलब हेटिंग होता है, जो वाटर को हेट करता है, यानी कि वाटर में नहीं रहते हो बिल्कुल भी, ठीक है। मैं वाटर नहीं होने लगना चाहिए, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है उसमें क्या होता है आपका, एक हेड होता है जो आपका इसमें हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और इसमें एक टेल होती है जो आपकी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। ये आपका इसका आपका ये आपका क्या बन गया आपका, यहाँ पे इसको एम्पीफाइल या एम्पीफेटेटिक बोलते हैं आपकी, यानी कि ये फॉस्फोलिपिड ही है, इसको आप एम्पीफिल बोलते हैं या आप इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक, ठीक है, इसको एम्फीपैथिक बोलते हैं, ओके, एम्फीफिल और एम्फीपैथिक, ठीक है। ठीक है, सॉरी, हाँ, इसको बोलते हैं हम अपना एम्फीफाइल और सॉरी एम्फीपैथिक, एम्फीफाइल है, PHILE है, ठीक है। ठीक है, तो जो इसका नॉर्मल फॉर्मूले की बात करते हैं, जो आपके फॉस्फोर लिपिड्स होते हैं, जो इनका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, जो इनका फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है, यानी कि, ठीक है। इसमें जो आपका इसमें जो हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपका मैंने हेड बताया, ये क्या होता है, फॉस्फेट हेड होता है, जो आपके पोलर एंड नॉन सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जब वो हाइड्रोफोबिक है तो आपका क्या हो गया, अरे पोलर तो है, वाटर लविंग है ना, तो इसलिए सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है, तो पोलर है, हाँ ठीक है, तो सॉल्यूबल भी है ना वाटर में, तो यानी कि आपका फॉस्फेट हैड जी,
पोलर एंड आपका क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर लविंग कर दो आप, या सोल्यूबल इन वाटर कर दो, वाटर लविंग या सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है? ठीक है। और जो इसकी टेल होती है, यानी कि जो मैंने टेल बोल रही थी, ये क्या होती है, टू हाइड्रोकार्बन की होती है, जो टेल होती है ना, ये हो गए ना, इसमें दो है, ठीक है। जी ठीक है। हाँ ये नॉन पोलर होगी क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं इसका, यानी कि कैसे बनती है आपकी। एक तो ये हो गई, ये हम किसका स्ट्रक्चर बना दिया आपका, ये आपका हाइड्रोफिलिक है, यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। तो इसका आप फिलहाल सुन ले, फिर आपकी जो क्वेरीज होगी आप लास्ट में पूछ लेना, ओके? चले, सब अपने माइक ऑफ कर ले, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, ठीक है। जो आपके ग्लिसरॉल है, फर्स्ट इसमें ग्लिसरॉल प्लस टू मॉलिक्यूल आपके जो होंगे वो, यानी कि टू फैटी एसिड्स होंगे, फैटी एसिड्स प्लस आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है वो, इन सब से ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, यानी कि इनसे मिलकर ये बनेगा आपका, ठीक है। तो जैसे कि आपका हम देख रहे हैं, आप प्लीज अपने माइक ऑफ करें, आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कार्बोक्स, ये देखिए एक मिनट देखिए, यहाँ आपका एडिशनल हो गया, यहाँ पे, अरे भाई प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब ना करो, माइक ऑफ करो, यहाँ पे बात करने बैठे हैं क्या लक्ष्मण? ठीक है, ये ओ एच है, ठीक आपका फिर यहां पे है ये, ठीक है। तो यानी कि यहां से ही आपका वाटर रिलीज हो जाएगा, ये H2O, 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 जब ये सब रिलीज हो जाएगा आपका, और ये वाला आपका एडिशनल ग्रुप है, ये वाला एडिशनल ग्रुप है जो अटैच्ड है आपके, ठीक है, फैटी एसिड से। तो यानी कि आपका लास्ट में क्या बन के आएगा आपका, ये यहां से, क्योंकि हम आपका यहां से हमने ओ एच निकाल दिया ना, ये वाला ओ एच निकाल दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला एच निकला, तो यहाँ पे ये ओ है, तो एक ये ओ और ये एक ओ सी, तो ये बन जाएगा, ठीक है, सी एच टू ओ पी, इसके ऊपर ओ एच, ये एच, ये आपका ओ, सॉरी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ओके। ये आपका देख लेना, अब आगे मैं पूछूंगी जब मैं बनाऊंगी कि ये क्या बना है, आपको बताना है फिर, ओके ओके भाई, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स की बात बताए मैंने, जैसे कि टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, आपका फर्स्ट जो इसका होता है फॉस्फो, फॉस्फोग्लिसराइड, आपका फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोटाइडल, थर्ड आपका होता है स्पिंगोमाइसिन, ठीक है।
ठीक है स्पिंगोमाइसली। ओके तो फर्स्ट ये आपको फॉस्फोग्लिसराइड होता है, ये क्या होता है लेसिटिन होता है, ठीक है लेसिटिन टिफेनिल। तो हम जो ये देखते हैं आपका जो लेसिटिन होता है सिमिलर स्ट्रक्चर होता है आपकी, जैसे आपके जो लीवर वगैरह होते हैं इन सब में होता है, तो जो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है सिफेलिन के जैसा ही होता है, ठीक है। तो जो नेचुरल अकरिंग होती है क्या होती है फॉस्फोलिपिड होती है इसकी। तो जो इसका हम फिर फॉर्मूला देखते हैं ये कैसे बनता है, तो आपका फॉस्फोलिपिड प्लस आपका कॉलिन, फिर ठीक है इससे क्या बनता है आपका लेसिथिन, ठीक है। तो अब इसका आपको फॉस्फोलिपिड का क्या था, सी एच टू सी एच सी एच टू ओ सी आर, फिर इसका आपका एडिशनल ग्रुप ज्वाइन होगा इससे सी आर टू, ये आपका लास्ट में ना डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सी एच थ्री हुआ, ठीक है ठीक है सी एच थ्री थ्री यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर आपका क्या बनेगा जब हम इसको यहाँ से वाटर रिलीज कर देंगे, ये आपका एच टू ओ रिलीज हो गया यहाँ से, यहाँ पे होल थ्राइज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला है लैसिथिन का, ये आपका बन गया, ठीक है। तो जो आपका जो ब्रेन है जो उसके नर्वस टिश्यूज है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है आपके लैसिथिन, ठीक है। ओके बच्चों समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बोला था इसमें सिफेलिन, इसकी बात करते हैं तो ये किससे बना है फॉस्फोलिपिड प्लस सेरिन, और आपका जहां पे आपका जो इससे बनेगा आपका क्या बनेगा सिफेलिन, आपका फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया, आप याद हो गया होगा ये तो, है ना। प्लस ओ ओ सी ओ माइनस इससे जो आपका एन एच टू, ठीक है ये आपका सिफेलिन बन जाएगा। ये आपका सिफेलिन बन जाएगा, ठीक है फॉस्फेटी सेरिन। ओके अब हमने जैसे कि इसमें बताया था आपका यस फॉस्फोटाइडल, अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है आपके जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उसमें पाया जाता है मेनली, जो ब्रेन में टिश्यूज में, ठीक है मेनली उनमें पाया जाता है ये, ये इसका फॉर्मूला है
टाइडल आपका बन जाएगा। इनोस्टॉल R2 OH डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। फिर आपकी जो ये इनोसिटॉल होती है, आपकी एक रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पे OH 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 H ग्रुप आपके जुड़े होते हैं। यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गया। फिर आपका ये OH है, ये H है, ठीक है, ये OH है, ये H है, ठीक है। ऐसे आपके जुड़े रहते हैं। तो ये वाला OH आपका और यहाँ पे H, ये रिलीज हो जाएंगे तो आपका वाटर रिलीज हो जाता है यहाँ पे। फिर जब क्या बनता है, आपका जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो फॉस्फोटाइडल इनेसिटॉल बनता है आपका। और ये यहाँ पे जब आपका ये रिलीज हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपकी ये रिंग स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका एच रह जाएगा और ये सब ऐसे ही लग जाएंगे जो आपके हैं, ये सब, ठीक है, ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके। आया इतना तो समझ में कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। आपको इनके फॉर्मूले याद कर लेना, स्ट्रक्चर तो फिर आप अपने आप ही बना ही लोगे, ठीक है। अब इसका जो थर्ड था हमारा, पिंगोमाइलिन, ये भी क्या होते हैं, जो आपकी लीवर होती है, स्प्लीच होती है, आपकी जो बोन मैरो होती है, ठीक है, स्पेशली क्या होती है, जो आपकी नर्वस सिस्टम होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये बोन मैरो वगैरह होती है आपकी, इनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या से बनेगा, स्पिंगोसाइन, स्पिंगोसिन आपकी फॉस्फोरिक एसिड प्लस आपकी कॉलिन, ठीक है। इनसे सब क्या बनती है आपकी, स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। जो आपकी स्पिंगोसिन होती है, क्या होती है, 18 कार्बन जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। 18 होते हैं, मेन कितने होते हैं, 18 कार्बन होते हैं। A1 एटम में आप बोल सकते हैं जो कंपोनेंट होते हैं उसके 18 कार्बन होते हैं, ठीक है, ठीक है। 18 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं मेनली, जो होते हैं, जो जनरली हमें पता है वो 18 होंगे, ठीक है। सॉरी, सी एच है यहाँ पे, सी एच, फिर आपकी ओ एच आ जाएगी, फिर 1 2, नहीं ये वाला नहीं, इसमें आपकी 1 होती है, 1 ये होती है, ये नहीं है, आपकी NH2 ज्वाइन होगी फिर से, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा ना आपका यहाँ पे, जब ओ एच लग जाएगा इससे, ठीक है। तो इनकी नंबरिंग होती है 1 2, ये 3, ठीक है, और ये 4 होता है, ये आपका 5 होता है। जो आपका 4 और 5 होता है उनके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा आपका, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा आपका। ये आपके आपका इसका एडिशनल ग्रुप लगेगा इसमें, ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ, डबल बॉन्ड ओ, तो यानी कि ये वाला यहाँ पे जो ओ एच होगा वो, और ये वाला एच होगा वो, ये रिलीज हो जाएगा तो आपका वाटर रिलीज हो जाएगा, ये वाला रिलीज हो जाएगा। तो फिर आपकी जो बनती है, ओ अपने इसका कॉलिन का तो फॉर्मूला ऐड नहीं किया था, तभी तो इस वाले से नहीं, आपके कॉलिन से, CH2 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 3, ठीक है। तो आपका जो ये वाला होगा और इसका जो होगा,
हम बात करते हैं आपका सी एच थ्री सी एच टू 12, ये आपका बन के आएगा फिर जो आपका ये है यहाँ पे इसके साथ में अटैच होगा, यानी कि यहाँ पे सी एच थ्री और सी एच थ्री, ठीक है। तो ये आपकी स्पिंगो सिन बन जाएगी। अब आपकी जो सेकंड हमने बताई थी, इसमें एक तो फॉस्फोलिपिड थी, एक ग्लाइकोलिपिड थी। अब हम बात कर रहे हैं इसमें आपकी जो कंपोनेंट्स थे, इसकी जो कॉन्जुगेट कंपाउंड थे ना, उसमें एक ग्लिसरॉल थी ना, तो अब हम सेकंड आपकी सॉरी ग्लाइकोलिपिड थी, हम ग्लाइकोलिपिड की बात कर रहे हैं। फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड्स के टाइप आपके फिनिश हो गए, उनकी जो जो फॉर्मूला थी, कैसे उनकी स्ट्रक्चर थी, हमने आपको बता दी। अब हम उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपको बताई दिया, कौन से किसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिपिड की, ग्लाइकोलिपिड क्या है, ठीक है। तो ग्लाइको जैसे कि आपको पता ही है ग्लूकोज होता है, ठीक है, और लिपिड आपको पता ही है फैट, यानी कि जो ग्लूकोज में जो फैट प्रेजेंट होता है वो, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज, जिसमें यानी कि ग्लूकोज आपका प्रेजेंट हो, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट, जैसे कि आपको बताइए कि इसमें जो आपका बात कर देते हैं, एक मिनट, बैटरी कम हो गई। ठीक है, बैटरी थोड़ी सी लो है, कोई बात नहीं। तो यानी कि जो लिपिड्स होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो, और इसमें जो मेंटेन करती है स्टेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल, मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, बच्चों बैटरी लो है कभी फिर, ठीक है, इसलिए। तो इसमें जो मैंने की बताया, लिपिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मेंटेन करती है ये आपके स्टेबिलिटी को, यानी कि इसकी सेल वॉल की जो स्टेबिलिटी होती है उसकी मेंटेन करती है, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं, तो जो आपकी स्पिंगोसिन होती है, मैं चलो दिखा देती हूँ, ये आपकी स्पिंगोसिन है, ठीक है। इसमें फिर आपके जो ग्लेक्टोज होते हैं वो, उनसे क्या बन रहा है आपका, ये ग्लाइकोलिपिड, आपको पता ही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि इसका 4-5 है, और यहाँ पे आपकी रिंग स्ट्रक्चर है ना, आपको पता ही है। यहाँ पे लगा देना, यहाँ पर आपका CH2OH, उसके बाद OH ग्रुप, H ग्रुप, HOH, ये सब है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा वो ये वाला होगा, ये यहाँ पे OH है, ये H था ना, OH, और ये H, यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया, ये H2O रिलीज हो गया, उसके बाद आपका बनता है, यहाँ पे जब हो जाएगा तो इससे अटैच होगा, तो ये O है, यहाँ पे H हैगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाद यहाँ पे तो CH2, यहाँ पे तो निकल जाएगा, यहाँ पे H रहेगा बस, यहाँ पे H, EOH, ये सब लगा जाएगा अपना, ठीक है, ओके। तो ये आपका ग्लाइकोलिपिड भी खत्म हो गया, इसमें इसकी स्ट्रक्चर आपको बता दी, ये किसमें है कैसे है ये आपको पता चल गया, ठीक है।
अब जो इसमें बात आती है ड्राइव्ड लिपिड की, जो इसमें ड्राइव्ड लिपिड होते हैं उनकी बात आती है कि इसमें ड्राइव्ड जो लिपिड होते हैं वो क्या करते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, इसमें एस्टर्स नहीं होते, सिंपल लिपिड जो होते हैं वो सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ड्राइव लिपिड बोलते हैं आपके। ठीक है,